लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और इसी के चलते 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जिला पुलिस ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। इस बार डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अलावा माइक्रो लेवल सिक्योरिटी पर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी थानों के SHO से जिला प्रमुख से प्लान मांगा है कि निचले स्तर पर चुनावों के दौरान होने वाली एक्टिविटी पर आपकी प्लानिंग क्या रहेगी। बाद में यह प्लान पुलिस हेडक्वार्टर शिमला को भेजा जाएगा। हमीरपुर जिला में चुनावों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की 15 टीमें भी जिला भर में बनाई जाएंगी, जो चौकसी रखेगी कि गैर कानूनी तरीके से पैसा यहाँ वहाँ तो नहीं ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जिला में ITBP की एक सेक्शन भी तैनात की गई है, जो हमीरपुर जिला में चुनावों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की 15 टीमें भी जिला भर में बनाई जाएंगी, जो चौकसी रखेगी कि गैर कानूनी तरीके से पैसा यहाँ वहाँ तो नहीं ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जिला में IDBP की एक सेक्शन भी तैनात की गई है, जो पूरे जिला में गश्त पर तैनात रहेगी। IDBP की यह सेक्शन, जिसमें 8 से 10 जवान तैनात हैं, यह लोगों से फीडबैक लेगी कि उन्हें किस तरह की समस्या तो नहीं है। SP हमीरपुर अरिजीत सेन ने बताया कि चुनावों के चलते लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिला पुलिस ने विशेष प्लानिंग की है। उन्होंने बताया कि सभी थाना स्तर पर HSO माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान तैयार करेंगे ताकि चुनावों के चलते एहतियात बरती जा सके। ये इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइंस के अनुसार हमने एक स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, उसी लाइन पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। अब एक नया जो हमने स्टेप लिया है इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में, वह है कि एक थाना लेवल पे SHO खुद एक माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे, जिसमें अपने अपने एरिया में मतदाता पोलिंग स्टेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस, इन सब की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कार्य किए गए और किस तरह से वो करना करेंगे इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, उसके बारे में एक डिटेल्ड प्लान वे सबमिट करेंगे, जो हमारे SDPO DSPs और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो है वो इन माइक्रो सिक्योरिटी प्लान को खुद एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस के माध्यम से पुलिस हेडक्वार्टर और इलेक्शन कमीशन को जाएगा, जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कोई भी इस तरह की गलत हरकत या ऐसी हरकत ना हो, जिससे कि हमारे इस भारतवर्ष के इतने बड़े डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में कोई रुकावट आए।